नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी अब धरना और प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानपुर आर्य नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सच्चों का हो बोलबाला, झूठों का हो मुंह काला सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। विधायक ने बताया कि 31 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी दोपहर 12 बजे तक सत्याग्रह आंदोलन समाप्त होगा। बता दें, सपा सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कानपुर आर्य नगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मौजूद हैं। अमिताभ जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, आपने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया है, मेन मकसद क्या है इस सत्याग्रह का? देखिए, लगातार सरकार झूठी बातें कर रही है, जनता से भी जो करे हुए वादे उनको पूरा नहीं कर रही, जो घोषणाएं कर रही हैं वो भी झूठे हैं, और विरोधी दलों को भी अत्याचार कर रही है सरकार, झूठे मुकदमों में फंसा रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो हम लोगों ने देखा 2022 वर्ष जो रहा, ये झूठों का बोलबाला रहा, इसलिए तो हम लोग नए साल पर इस कामना के साथ में कि इस वर्ष झूठों का बोलबाला ना हो, सच्चों का बोलबाला हो, इसको लेकर के सत्याग्रह करने जा रहे हैं। नए वर्ष की शुरुआत जो करेंगे उस सत्याग्रह के साथ करेंगे जी। हम समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं, तो इस नए वर्ष में संघर्ष की शुरुआत से ही नए वर्ष का शुभारंभ करेंगे। और कानपुर में खास तौर पे हमारे विधायक इरफान सोलंकी में झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, इनको लेकर के हम लोग सत्याग्रह करेंगे जी। अमिताभ जी, जो इरफान सोलंकी पर कार्रवाई की गई है, क्या वो गलत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुलिस कुछ कहती हो, लेकिन हम जानते हैं कि सारे मुकदमे विदेश में लगाए गए हैं। एक व्यक्ति जिस पर कोई मुकदमा नहीं था, एक दिन पहले एक मुकदमा हुआ, रात में ही बगैर जांच के पुलिस घर में कूद जाती है, फिर उसके फरारी पर मुकदमा, फिर उसके बाद काउंटर खोला जाता है, उसमें एप्लीकेशन ली जाती है। आज लगभग 8-9 मुकदमे हो गए, आज तो गैंगस्टर भी लगा दिया गया। एक विधायक जो कुछ दिन पहले था सज्जन विधायक था, एक महीने के अंदर वो गैंगस्टर हो गया, अब उसको जेल भी बदल दी उसकी, उसके परिवार पे सीधा अत्याचार कर रहे हैं। जो हमारी शिकायतें हैं, जो हमारे तथ्य हैं, उनको पुलिस कतई संज्ञान में ले रही, कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर के विधायक को उसके परिवार पे अत्याचार कर रहे हैं। सच झूठ तो अदालत तय होता है, लेकिन हम लोग अपनी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि पुलिस सीधे सीधे विपक्षी विधायक होने के नाते इरफान सोलंकी पर अत्याचार कर रही है। अमिताभ जी, विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो प्रदर्शन करेंगे, अब आपने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया, तो क्या ये इसी की शुरुआत है? ये जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा ही काफी होता है। उनका इशारे पर हम लोगों ने तुरंत आंदोलन रूपरेखा बना ली है। चूंकि अब ये वर्ष तो अंतिम दौर में है, तो इसलिए हम लोगों ने नए साल का आगाज ही आंदोलन से होगा, ताकि आने वाला साल जो है लगातार हम लोग सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ, सरकार के झूठ के खिलाफ लगातार सड़कों पर रहने का काम हो। ये अपने कार्यकर्ताओं में हम लोग जोश भरने का काम कर रहे हैं, जहां एक तरफ पूरी दुनिया नए वर्ष का उल्लास में डूबी होगी, लेकिन हम समाजवादी लोग उस दिन सर्दी में रात भर रह करके हम लोग अब उल्लास के बजाय संघर्ष की अपनी जो रूपरेखा है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अमिताभ जी, जो ये आप सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं, ये कब से कब तक चलेगा? क्या ऐसे सत्याग्रह आगे भी हो सकते हैं? जी, हम लोगों ने पहले भी किए हैं। एक बार हम लोगों ने 13 दिन तक हठयोग धरना दिया था, लगातार पानी टंकी में बैठे थे, 13 दिन तक धरना दिया था हठयोग का। इस वर्ष जो नए वर्ष पे है, 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से हम लोग बैठेंगे और 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे का हम लोग धरना देंगे, जिसको सत्याग्रह का नाम दिया गया है। अगर चूंकि हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि कष्ट अपने को दिया जाए और उससे सरकार चेत है, दूसरे को कष्ट देने की नियत नहीं होती, इसलिए 24 घंटे सत्याग्रह रखा। जरूरत पड़ेगी और सरकार नहीं मानेगी तो आगे 3 दिन, 1 हफ्ता और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है जी। अमिताभ जी, निकाय चुनाव नजदीक है, तो निकाय चुनाव को लेकर सपा कितनी तैयार है? हम लोग पूरे तौर पर तैयार है, हमारे आवेदन पार्टी के प्रत्याशियों के आ चुके हैं, हम लोगों ने उसको स्क्रीनिंग कर ली है,
जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हम लोग अपने प्रत्याशी घोषणा करना शुरू कर देंगे निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल रही है। इस समय जीएसटी के छापे पड़े हैं, व्यापारी परेशान है, शहरों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नगर निगम पूरी तरीके से नकारा साबित हो चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग को उम्मीद है कि जैसे ही हमारे प्रत्याशी घोषणा होगी तो नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिलेगा। जी अमिताभ जी, मैं 2024 लोकसभा चुनाव की बात करूं तो बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएगी सपा? आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, तो इसलिए इसमें कुछ शंका होनी नहीं चाहिए। जितने हमारे आज एमएलए हैं उतने एमएलए से ही 25 MP हमारे होते हैं। अगर हमारे 25 MP भी हो गए तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी, जबकि असलियत यह है जो हम समझते हैं कि हमारे कम से कम 40 से 45 MP होंगे। पर जो हमारा आज का आंकड़ा है उसको ही ले लेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र बनने नहीं जा रही। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने से रोक सकने के लिए सक्षम है। अमिताभ जी, जो ये आप सत्ता ग्रह कर रहे हैं तो इसमें कौन अहम अहम मुद्दे को लेकर आप करेंगे? इस सारे मुद्दे हैं जिसपे जनता से झूठ बोला गया। पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी 15 नवंबर तक, कहां सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है? स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? कोरोना यदि आ जाए तो इलाज की व्यवस्था कहाँ है? आज अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ है? ये जो निवेश को लेने के लिए लोग विदेश गए थे, बड़े बड़े दावे खोखले कर रहे हैं, पिछले जो निवेश के वादे हुए वो कहाँ पूरे हुए हैं? ये सारे वादे कहाँ हैं? सब बातें झूठी हैं, हवा हवाई हैं। इस सारे झूठ के खिलाफ और जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं इस झूठ के खिलाफ हम लोग सत्याग्रह करने जा रहे हैं। और हमारा यही कामना है कि अगले वर्ष सच्चे का बोलबाला होगा, झूठे का मुकाला होगा। तो अमिताभ जी, क्या लग रहा है जो आप सत्याग्रह करने जा रहे हैं इसमें आपको जनता का साथ मिलेगा? जनता लगातार ये देखती है कौन उनकी आवाज बुलंद कर रहा है, कौन उनके मन की बात कह रहा है। हो सकता है जनता का हर व्यक्ति समय न दे पावे, पर उसके मन में बातें होती हैं जो सरकार से कहना चाहता है, तो वो देखता है कौन दल है जो हमारी बातें सरकार तक पहुंचा रहा है। जब हम उसके मन की बात करेंगे तो लोग निश्चित रूप से, कुछ लोग भौतिक रूप से उपलब्ध होंगे, कुछ नहीं तो जहां होंगे वहां से आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे, और उसी संबल पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं, उस संबल पे हम लोग खड़े हुए हैं। जनता का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। अमिताभ जी, देखा जाए तो देश में अब कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है, केस सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसकी तैयारी किस ढंग से सरकार ने की है? कोरोना पहले भी आया था, सरकार पूरी तरीके से फेल रही थी, तो हमें नहीं लगता सरकार से बहुत उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन जो अभी कोरोना है वो राजनीतिक कोरोना है, अभी कोई केस मिलना ऐसे शुरू नहीं हुए। सरकार पहले से, चूंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की यात्रा चल रही है या समाजवादी पार्टी सड़कों पर आने तैयारी कर रही है, सरकार को मालूम है जो मुद्दे हम लोग उठाएंगे इसका जवाब सरकार नहीं दे पाएगी, सरकार उससे बचने के लिए कोरोना ला रही है। जब असल में कोरोना आया सरकार, यही सरकार थी जो ऑक्सीजन नहीं दे पाई थी, यही सरकार थी जो प्रवासी मजदूरों को साधन उपलब्ध नहीं करा पाई थी, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल नहीं थी। ये जब राजनीतिक रूप से लोग जवाबदेही आ जाती है तो ये कोरोना की तैयारी करती है, लेकिन जब कोरोना आएगा तो हम लोग भी साथ में होंगे और मदद करेंगे। पर सरकार की नियत कोरोना को लेकर अभी साफ नहीं दिखाई पड़ती। जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उनको जांच नहीं करी गई, पिछली बार जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन खराब हुए थे उनकी कोई जांच नहीं करी गई, आगे की इनकी तैयारी क्या उसके बारे में कुछ पता नहीं। पर हम ईश्वर से कामना करेंगे कोरोना की लहर हिंदुस्तान में ना आवे, हम लोग भी कोशिश करेंगे जो मदद जनता की संभव होगी उसे करने का काम करेंगे। अमिताभ जी, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहें, हम लोग किसी दल को मानने वाले हों, लेकिन जो सही बिंदु है उस पर एक दूसरे का समर्थन करें, सहयोग करें और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें। आंख मीच करके किसी भरोसा करने से वही भरोसा तोड़ता है तो कष्ट होता है। हम जो आज राजनीति कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा भारत तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे का रचनात्मक सहयोग करना चाहिए और जहां बात गलत हो उसका डट करके विरोध करना चाहिए और आपस के प्यार और भाईचारे सदैव बनाए रखना चाहिए। यही सब अपील मैं अपने साथियों से करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद अमिताभ जी आपका। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।